हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। इस चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर लाया हूँ जीके जीएस एसएससी सीएचएसएल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि कौन प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट बोल रहा है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन के बेहतर क्यों माना जाता है, कार्बनिक भोजन के सलाह क्यों दिया जाता है। तो इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए कार्बनिक भोजन में बेहतर माना जाता है मनुष्य के उपयोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। फिर चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है। तरल ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संरचना कुषाण शासक कौन थे। संरक्षक कुषाण शासक वो कनिष्क थे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वैक्स स्पेसिस से। क्वैक्स स्पेसिस से वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से हादसे कौन सा ब्रिगेड संबंधित है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का श्रेय जाता है जनरल डायर को। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाने किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रतिरोधिता का। तो प्रतिरोधिका या प्रतिरोधक का होता है वोल्ट पर एम्पियर। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बोल रहा है नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम कितनी वायु वर्ष चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अधिकतम 65 ईयर के होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो एरिनियोलॉजी मकड़ी का अध्ययन है, मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस नियम से यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों का खर्च आय का अनुपात कम होता है। तो ये एंजिल के नियम के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च भी उसी के अनुपात कम होता जाता है। नेक्स्ट है, BOD का फुल फॉर्म क्या है। तो BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड होता है BOD का फुल फॉर्म, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी किस निम्नलिखित में से किसकी है, यानी भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए। ये जो संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर दूसरा है, संगीत नाटक अकादमी को ये प्राप्त है इसको विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, चिली साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, चिली सीरा या चिली साल्ट पीटर किसका नाम है। तो चिली साल्ट पीटर नाम है, पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को ही चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है। तो बंदायूनी द्वारा महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया। तो याद रखिएगा, बंदायूनी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है गुजरात का, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। नेक्स्ट है, क्षेत्रमापी के द्वारा हम लोग किसका यूज करते हैं। तो क्षेत्रमापी के द्वारा क्षेत्रफल मापा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट में किस टाइप का स्विच प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में पैकेट यूज होता है, पैकेट होता है, उस स्विच का नाम है पैकेट, तो पैकेट यूज किया जाता है। वैट किस पर लागू लगाया जाता है, तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में इसका यूज किया जाता है वैट का, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। एजी टेंसले इसका राइट आंसर होगा, एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को प्रस्तुत की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने का क्या कहते हैं। बोला गया कि नियत माप के ब्लॉक में फिजिकल मेमोरी को भंग करने जो क्रिया कहलाता है वो फ्रेम कहलाता है, उसको बोलते हैं फ्रेम। नेक्स्ट है,
जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या कहलाता है? तो जूडो में सर्वोच्च उपाधि जो है दसवां डैन को प्राप्त है, यानी कि जूडो में जो दसवां डैन होता है वो सर्वोच्च उपाधि उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, नेचुरल सेलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? सवाल फिर से बोला गया है कि नेचुरल सेलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन होगा चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ऑप्शन नंबर तीसरा सही। थैंक्स।